साल 2012 में मुंबई के एक छन में लगी जीजस स्ट्राइक की मूर्ति से अचानक पानी बहने लगा। आसपास के लोग इसे चमत्कार मानने लगे और उस पानी को इकट्ठा करने लगे। कुछ लोग तो इस उम्मीद से उस पानी को पीने लगे कि ये कुछ बीमारियों को ठीक कर देगा। उसके बाद जब और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इस पानी के सोर्स का पता लगाया गया तब पता चला कि मूर्ति की दीवार के पीछे बने टॉयलेट का टॉयलेट पाइप जाम हो गया था, जिसकी वजह से ये पानी उस मूर्ति से टपक रहा था। जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब? क्षमा चाहूंगा, बहुत दिनों से व्यस्त था अपने घर के कामों में, लेकिन अब हर सप्ताह में 2 से 3 वीडियोस जरूर आया करेगी। मित्रों जरा इस वीडियो को देखिए, कैसे ये पादरी बोल रहा है कि यीशु आपको आंधी तूफान से बचा लेगा, लेकिन अंत में इसकी स्वयं की आंधी निकल गई। मित्रों अब इस वीडियो को देखिए और ध्यान से सुनिए, कैसे मुस्लिम महिलाओं के साथ हलाला के नाम पर बलात्कार किया जाता है। 1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया, तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि लोग पैसे से खरीद खरीद के एक औरत को, अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेकर आओ। क्या यही इन लोगों का जमीर है? क्या यही इन लोगों की इज्जत है जिसे सरेआम अपने घर की इज्जत को नीलाम करते? इसके दोस्तों ने और सबने मिलकर यही फैसला किया कि इसको बच्चा भी हो गया तो जाने नहीं देंगे, तो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हलाला कर लेते जी। तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? पहले तो इसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने नियत करके करवाया था जी, नियत की कि आपसे दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी निकाह करवा दिया। जिस दोस्त से आपका निकाह हुआ था उनके साथ आप कितने अरसे रही? एक ही दिन। एक दिन रही। कितनी दफा इनकी तलाकें हुई हैं? इनकी कोई 6 दफा तलाकें हुई हैं। 6 दफा तलाकें हुई हैं टोटल, जो हुई हैं, जो हलाला और कोई टोटल 6 बार इनका निकाह हुआ है। और बड़ा, यानी मैं बता रहा हूँ कि जब हमने इसने आके सुनाई थी तो हमें तो यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरीके से भी होता है हमारे माशरे के अंदर, हमारे लोगों में। और जो सबसे बड़ी जो अफसोस की बात थी, जो दुख की बात थी, वो ये थी कि वो साहब जो थे वो खुद लोगों को नमाज पढ़ाते थे, लोगों को दर्स देते थे और लोग धोखे में थे उनके। हलाला पे आपको तलाक दे दी? मैंने बोला कि आज चलते हैं, 1 हफ्ता हो गया, तो उन्होंने बोला नहीं कल जाएंगे। जस्ट इतनी बात पे उन्होंने कहा तलाक तलाक तलाक। कितने सालों से देखते आ रहा है कि हमारे जो मंदिर है उनको कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। उनसे जो पैसे जनरेट होते हैं, जो हम लोग अपनी श्रद्धा से देते हैं, जो आप लोग अपनी श्रद्धा से मंदिरों में जाकर दान करते हैं, उन पैसों को मंदिर के पास नहीं रखा जाता है, बल्कि उन पैसों को गवर्नमेंट लेकर चली जाती है। लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने मंदिरों को अपने गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री कर दिया है। मतलब कि ये जो मंदिर है हमारे जितने भी हैं, उनमें जो भी पैसे वगैरह आते हैं, दान आते हैं, उस पे अब गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है। यहाँ तक कि जो मंदिरों के जमीन वगैरह थे जिनको की नीलामी कलेक्टर किया करते थे, अब कलेक्टर उसकी नीलामी नहीं कर पाएंगे। जो वहाँ के पुजारी वगैरह होते हैं वही उसको नीलाम कर पाएंगे, उन्हीं के कंट्रोल में सब कुछ होगा। गवर्नमेंट कहीं से भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं करने वाली है। यहाँ तक कि जो प्राइवेट मंदिर वगैरह है उनके जो पुजारी है उनके लिए भी मानदेय की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन वह वहीं पे दूसरे स्टेट में देखो, हमारे मंदिरों के जो पैसे वगैरह है उनको गवर्नमेंट दे लेती है। जैसे कि कांग्रेस गवर्न जो स्टेट है उनको देख लो, तो इतने सालों से जिसके लिए हम लोग पहल कर रहे हैं, तो अब एक्चुअली में हमारे पैसे सही जगह उपयोग होंगे। मित्रों इस वीडियो में कश्मीरी हिंदुओं की पीड़ा सुनिए और मुस्लिमों का भाईचारा। क्या करें, क्या बताएं हम? आज कहते तुम लोग क्यों भागे? भगाया गया मस्जिदों में जब वो अनाउंस करते थे, लड़कियां गिन के रखी थी, वो लड़की मेरी, वो मकान मेरा, वो औरत मेरी, आदमी को मार डालेंगे हम कैसे, हमारे माँ बाप हमें कैसे छोड़ते। मैं अपने 2nd क्लास में मेरा भाई पढ़ता था, मैं उसको ट्रक में, पड़ोसियों की ट्रक में आई हूँ। मैं कहा मैं भाई को नहीं छोड़ सकती यहाँ पे, मैं चाहूंगी ये मेरे साथ जाएगा। बड़े भैया श्रीनगर में थे, उनकी मिसेज फैमिली में थे, कैसे निकले उनके सामने 2 ब्लास्ट, वो बेचारा उसमें भी जो जुलूस में आया मुझे लेने। मैं कहा भैया मैं नहीं जाऊंगी, छोटा है इसको कैसे छोड़ सकते हैं यहाँ पे। उसको भी साथ लेके निकली, क्या क्या बताया इनको, कौन सा पड़ोसी कोई निकला, उनके मस्जिदों में कोई नहीं था, उनका ज्ञानवान वहां पर जो उनको बताए कि ये मत करो ये गलत है, कि कौन सा भाईचारा उन्होंने हमें उस टाइम दिखाया, जो हम बोले कि हाँ ये हमारे अपने।
देखिए कैसे खुजलीवाल रोहिंग्या मुसलमानों को मुफ्त में खैरात बांट रहा है, जैसे इसके बाप का पैसा हो, हमारे टैक्स का पैसा इन आतंकवादियों को बांटा जा रहा है। क्या क्या सामान दिया जाता है? सामान तो बहुत सारे दिए गए, कूलर पंखा बहुत सारे सामान दिए गए, खाने पीने का कपड़ा लत्ता बहुत। मतलब गर्मी है तो कूलर भी दिया गया दिल्ली सरकार की तरफ से। कहाँ से हो आप? बर्मा का। बर्मा से क्या क्या दिया आपको और दिल्ली सरकार? दिया है कपड़ा, दिया है खाना भी दिया है। दिल्ली सरकार बिजली दे रही है? दे रहे हैं। इनके लिए सामान देने आयो? वो प्रसाद होता है ना, कुर्बानी करते हैं उनको प्रसाद देने। आज भी 3,000 दिए किसको? आज 3,000 रुपए दिए। कौन ही की बोला गया, किसी मीडिया के साथ बात नहीं करना। और यहाँ देखिए, पाकिस्तानी हिंदुओं के घरों को भी तोड़ दिया गया। ये कांग्रेस की सरकार है ही कटुओं की। हिंदुओं कब तक इन हमियों को चुनते रहोगे? ये देखो, ये बेहोश हो गई यहाँ पे, ये देखो, हम हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है हमारा, देखो ये घर तोड़ रहे हमारे, देखो पाकिस्तान है, पाकिस्तान बर्बाद है, यहाँ पे भी बर्बाद है। आज तक हमारा देश नहीं है। नहीं नहीं, दुखी करते हैं। नहीं, ये देश आपका है, आप चिंता मत करो। देखो जगह नहीं है बैठने की, तो हम कैसे? इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री का कदाच कितना है, उन्हें कितना सम्मान मिलता है। इस वीडियो में आप देखिए कैसे खालिस्तानी मेरा यशु यशु करने वालों से पिट गए। पावर ऑफ हालेलुया। ये खालिस्तानी देखिए कैसा व्यवहार करते हैं हिंदुओं के साथ। ऐसी एक नहीं बल्कि बहुत सी वीडियोस हैं, और हिंदू भी मूर्खों की तरह पहुंच जाते हैं अपना माथा रगड़ने, अपनी नाक कटवाने के लिए। अपने मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन वहां जरूर अपना माथा फोड़ेंगे। दरबार साहब दी ओ रसना नहीं रह गई, तुसी देख चुके, मैं तुहानू लाइव भी दिखाउनी। मैनू कोई भी सिख दिखा दियो, दाढ़ी वाला, केसां वाला, जां केसरी पग वाला, जां नीली पग वाला, इत्थे मैनू कोई नजर नहीं आया। जे मैनू इत्थे कोई नजर आया तां ओ मैनू इउं जापदा जिद्दां इत्थे पोलिटिकल मोटिव दे वास्ते भैयावाद बिहार यूपी ए जड़ा सीगा उत्थों लिया के ट्रकां दे ट्रक भर के इत्थे दरबार साहब दे विच उतार दित्ते गए आ। और हिंदूवाद दा भगवां करन जड़ा इत्थे पूरी तरह दरबार साहब दा हो चुका है, आपां सारे जानदे आ। मैं लाइव लाइव तुहाडे नाल गल कर रही हां, ते सिंघां सिखां दे नाल, सिंघां दे कुछ सिंघां दे नाल इत्थे दरबार साहब चार वटांदरे भी मेरे होए ने हुणे 2-4 मिंट पहलां, ते इसे गल ते होए ने कि सिंह साहब अज इत्थे कोई सिख नजर नहीं आउंदा।
लंगर दे विच लंगर छकन गए हैं उत्थे कोई सिख लंगर वरता नजर नहीं आया उत्थे भइए लंगर वरता रहे सी उत्थे जिहड़े हिंदू मुंडे सीगे वह लंगर वरता रहे सीगे ते सच जाणियो मेरी ग्राही भी अंदर जाण नूं दिल नहीं कर रहा सीगा